Hello. How are you? Wow. I'm fine. Mommy, darling. Oh, really? आज बहुत प्यार बरसा रही है वहाँ पर। क्या बात है, सूरज किधर हो गया? पता है मम्मी, मैंने दरवाजा खोला तो इसने मुझे गले से लगा लिया। बिन्नी, चरस या गांजा पिया है क्या? मेरे कॉलेज में एक लड़का है चरसी, वो जब भी पीकर आता है ना ऐसे ही करता है। क्या करता है? तुझे गले लगा लेता है ऐसे? अरे मैंने क्या कहा, इसने जो कहा उसका ही तो मतलब कहा मैंने। मम्मी इस पर नजर रखिए, वरना हाथ से फिसल जाएगी लड़की, फिर पछताना पड़ेगा। विनीता, अब तुम्हारी चिंता करने से फुर्सत कहाँ मिलती है? तुम्हें पता है आज कितने दिनों बाद तुम्हें हंसते हुए देखा है। अब मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कुछ ही दिनों पहले मेरी सास ने मुझे समझाया कि तप करने से जो चाहिए वो हासिल हो सकता है। मतलब दीक्षा लेकर चले जाने का तय किया है क्या बिनी? नहीं नहीं, इतनी ताकत नहीं है मुझ में। संसार छोड़ने के लिए तो बहुत ताकत चाहिए। मैंने तो सिर्फ छोटा सा तप किया था और उसका फल भी मुझे मिल गया है। अब कुछ समझ में आए ऐसा तो बोल बिनी। सीधी सी बात है, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? याद है डॉक्टर पराशर ने आप लोगों से कहा था कि वो सरोगेटिंग में मेरी मदद नहीं करेंगे। मैंने उन्हें मना लिया है मामा। सरोगेट मदर मिल गई क्या बिनी? वो भी मिल जाएगी मिनी। एक कदम चल पाते हैं ना तो आगे के कदमों के लिए हौसला और यकीन दोनों बढ़ता है, है ना? तुमने MBA किया है ना? जी, लेकिन मैं अपनी सर्टिफिकेट्स नहीं लाया हूँ साथ में। उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हें मैनेजमेंट की पोजीशन ही देना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल तुम प्रोडक्शन का काम संभालो, उसकी सारी जानकारी ले लो, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की भी जानकारी ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें मैनेजमेंट की पोजीशन दूंगी। ठीक है, वैसे रितेश भैया ने मुझे सब समझा दिया है। गुड। दादी, ये बताओ कि तुमने हमारी बच्ची का इंसल्ट क्यों किया? आपकी छड़ी लेकर मैं इसे इतनी पीटूंगी अगर इसने दोबारा बेवकूफी की तो। देखा पापा, देखा, मेरी फ्रेंड ठीक कह रही थी, लड़की की शादी होते ही उसका सब तरफ इंसल्ट होता है, घर में भी और ससुराल में भी। यार गलती तुम्हारी थी। Soap in the basket, milk in the tub. You know nothing, so you shut up. मिताली दीदी को सिर्फ मैंने इतना कहा कि पराग को कोई ढंग का काम देना पड़ेगा, ईंटें उठाने जैसा काम वो नहीं करेगा, तो मुझे गेट आउट कह दिया। गेट आउट। मिताली, तुम हमारी बिटिया को कभी गेट आउट नहीं कहोगी। ये बच्ची नहीं है, शादीशुदा औरत है, इसे मुंह चढ़ाना बंद कीजिए पापा। देखा देखा पापा, तुम मेरी बेटी हो ना, मेरी बेटी हो ना, तुम दीदी की बात बिल्कुल मत सुनो। मैं उसे दफ्तर ले जाकर इतना पीटने वाला हूँ, इस लकड़ी से इतना पीटने वाला हूँ कि जिंदगी भर वो याद रखेगी। मैं बच्ची नहीं हूँ पापा, मुझे पटाने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ रहने आए, वो दीदी को पसंद ही नहीं। शिखा भाभी ठीक ही कहती थी। क्या कह रही थी शिखा? मुझे यहाँ की बात वहाँ करने की आदत नहीं है। नहीं नहीं, नहीं। हम पराग से ईंटें उठवाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बोलो क्या चाहती हो? और पराग हर रोज सूट और टाई पहनकर ऑफिस जाएगा सबकी तरह, वो भी कार में जाएगा, और शाम को थककर घर वापस आएगा। दैट्स ऑल। यही काम नीरंग भैया, रितेश भैया सब करते हैं, और पराग भी यही काम करेगा। ठीक है बाबा, ठीक है, हम पराग को यही काम देंगे। ठीक है, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मिताली, अब तुम हमारे बिटिया से माफी मांगो, सॉरी बोलो। सॉरी प्रिया, एंड नाउ गेट आउट। पराग, तुम्हें टाई पहनने से सफोकेशन तो नहीं होती है ना? नहीं, वो तुम कह रहे थे ना कि सूट में तुम्हें बहुत गर्मी लगती है। नहीं प्रिया, काम है तो करना ही पड़ेगा ना। क्या तय किया तुमने, कब घर छोड़ के जाना है? जाएंगे थोड़े दिनों में जाएंगे। सब पहले मुझे यहाँ कुछ निपटाना बाकी है। दूसरा घर भी तो ढूंढना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ से निकलकर सीधा पापा के घर में चले जाएंगे, लेकिन नहीं, अब वो नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ जो साथ में चलने वाली है। चुप रहोगी तुम? एक तो बेचारी हमारे लिए लड़ रही है,
ऊपर से अपना घर छोड़ने के लिए तैयार है और तुम्हें उस पर भी भरी याद है। आज लड़ने के लिए खड़ी हुई है ना, अगर पहले तुम्हारे लिए लड़ती तो आज ये नौबत नहीं आती। मुझे तो लगता है मम्मी जी को पापा से अलग ही होना है, हम लोग तो सिर्फ बहाना है। मत पको शिका। क्या अनाप शनाप बोल रही हूँ बोलो। मैं कुसुम ने खुद ही बताया ना कि उसका पापा के साथ क्या रिश्ता है। कुसुम झूठी है, मक्कार है। अच्छा तुम फिर भी तुम उसके साथ मीटिंग क्यों रखते हो? वो इसलिए कि उसके जरिए भीमानी इंडस्ट्रीज मैं अपने कंट्रोल में करना चाहता हूँ, समझी? और जिस दिन भीमानी इंडस्ट्रीज मेरे कंट्रोल में हो गई उस दिन से मैं उसे घास नहीं डालूंगा, समझे तुम? तो ये बात वो कुसुम भी सोच रही होगी। तुम्हारे वापस आने के वो सारे रास्ते बंद कर देगी और तुम्हें बिजनेस में से ऐसे हटा देगी जैसे लोग दूध में से मक्खी निकालते ना वैसे। देखो इसलिए मेरी बात मानो और मेरे पापा के साथ बिजनेस में ज्वाइन हो जाओ और वो कुसुम को भूल जाओ। पुराना जमाना होता तो शायद तुम्हारे लिए मुझे पहचान पाना आसान होता श्रेया, है ना? तब तुम यकीन के साथ कह सकती कि इसी औरत ने मेरे भाई को मंत्र पढ़कर फांस लिया है, जादू कर दिया है उस पर। तुमने प्रियम पर जादू किया है, इस बात को मानने में मुझे आज भी दिक्कत नहीं होगी। 20-22 साल के नौजवान के लिए खेल को प्यार मान लेना बहुत आसान होता है। किसी भी खेल को प्यार समझ लेना कोई मुश्किल नहीं होता ऐश्वर्या। दरअसल हम प्यार को पहचान ही नहीं पाते जिंदगी भर। किसी भी चीज को प्यार समझने को जिंदगी भर तैयार रहते हैं और नतीजा क्या होता है? तकलीफ और सिर्फ तकलीफ। ऐसा जरूरी तो नहीं है श्रिया, किसी भी खेल को प्यार करते रहना और प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तकलीफ गिरने में नहीं बल्कि गिरकर उठने की कोशिश में पैदा होती है। सच कह रही हो तुम, और जो कुछ भी कह रही हो ना ये तुम पर अच्छी तरह से लागू होता है। गिरो और गिरते चले जाओ। प्रियम के साथ मेरा रिश्ता खड़े होने की कोशिश है। रही बात प्रियम की तो मैंने उसे कभी बांध के नहीं रखा, वो जब चाहे इस खेल को खत्म करके जा सकता है। दरअसल तुमने अपने भाई को समझा ही नहीं श्रेया, वो कभी इस खेल को प्यार नहीं समझेगा। और अगर जिंदगी में कभी उसे सच्चा प्यार करने वाला मिले तो भी वो उसे एक खेल ही समझेगा। फिर तो तकलीफ तुमको होगी, क्यों जाना चाहती हो तकलीफ के रास्ते पर? छोड़ दो उसे। मुझे नहीं होगी तकलीफ क्योंकि मैं इस प्यार को प्यार समझते रहने की तैयारी के साथ ही चली हूं। आज वो आजाद है और मैं बंधी हूं। आज मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं श्रेया, लेकिन तुम ये बात आज नहीं बाद में समझोगी क्योंकि इस वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान आज की जरूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है। इसलिए मेरी बात मान लो श्रेया, प्लीज ऑपरेशन के पैसे मुझसे ले लो, बाद में वापस कर देना, चाहे तो ब्याज के साथ लौटा देना। नो no. तुम्हारे और प्रियम के बीच में चाहे जो भी रिश्ता हो, प्यार खेल या जो भी, मुझे उसमें कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम ये बताना चाहती हो कि तुम प्रियम के लिए कुछ भी कर सकती हो, इसलिए मुझे ये हेल्प ऑफर कर रही हो। बट नो थैंक्स, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ इट। देख भाई कुसुम, तू तो बात बात में ये जतानो चाहे कि तू ही सब कुछ जाने है, बाकी का लोग तो कोई कुछ को नहीं जाने। आमतौर पर लोग आंखें मूंद कर जीते हैं, तुम्हारी तरह बंद आंखों में सपने रंगीन नजर आते हैं और दिल खुश भी, मगर सच्चाई से नावाकिफ होते हैं सब। मेरे जैसे बहुत कम होते हैं जिनके दिल की आग से आंखें जलती रहती है और इसलिए बंद ही नहीं हो पाती। ऐसे लोग सबको बेहद पहचान लेते हैं श्रीचंद। मतबल के मीना 2 महीना में सारा प्लान बदल दिया क्या? देख भाई कुसुम,
मैंने तुम कोई तुक को नहीं दिखाई देता। तुम्हें क्या दिखाई देता है और क्या नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है श्रीचंद। मैं सिर्फ ये देख पाती हूँ कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा बेमानी परिवार में घुसने का। तो वो रास्ता मैं दिखाऊंगा ना? नहीं, तुम सिर्फ नक्शा लाओगे घर का। दरवाजा कहाँ है ये तो मुझे ही ढूंढना होगा, क्योंकि तुम नक्शे पढ़ नहीं सकते श्रीचंद। एक काम करो, संदीप भिमानी की ऑफिस में नौकरी करना चाहता है, उसे इंटरव्यू कॉल भी आया था, तुम उसे नौकरी दिलवा दो, मगर इस तरह कि मेरा नाम कहीं बीच में ना आए। आपकी पत्नी ने मुझे हरा दिया मिस्टर भिमानी। आपकी नासमझी पर मुझे गुस्सा तो आता है, पर उसकी सजा मैं इसे नहीं दे सकता। अब मैं तुम्हें मिसेज भिमानी नहीं कह सकता भी नहीं। I'm sorry। अगर पहचान गहरी हो जाए फिर उससे दूर रहना मुमकिन नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर। अब मिस्टर भिमानी, मेरी शर्तें तो आपको पता हैं, गोपनीयता, सीक्रेसी सबसे पहली और अहम शर्त है। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। ओके, और दूसरी शर्त यह है, मुझ पर विश्वास। आप मुझसे सरोगेट मदर के बारे में कभी भी पूछेंगे नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होगा डॉक्टर। मिस्टर भिमानी, आपकी पत्नी आपके लिए बहुत बड़ा त्याग कर रही है, ये बात जितनी अच्छे से मैं समझता हूं उतना आप नहीं समझते शायद। उसी के लिए मैं ये काम कर रहा हूं और उसी के लिए आपको मेरी पूरी शर्तें माननी पड़ेंगी। जब मैं बच्चा आपके हाथ में रखूं तो उसे स्वीकारने से पहले उसके जेनेटिक टेस्ट करके अपने आप को यकीन दिलवाने की आपको आजादी है कि वो बच्चा आपका है या नहीं। यानी जेनेटिक टेस्ट से पता चल जाता है कि ये बच्चा किसका है? माँ और बाप का यकीनन पता चलता है। आपको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने आपको ओवम और स्पर्म आदि कोश के बारे में समझाया था। स्पर्म मर्द में और ओवम औरत में पैदा होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो पूरा कोश बनता है जो आगे जाके मल्टीप्लाई होता है। यानी बच्चा ठीक आधा माँ का होता है और आधा पिता का। बिल्कुल। अब जीन्स के बारे में समझ लीजिए। इसे रंगसूत्र कहते हैं हिंदी में। इंसान के कोश में या सेल में 42 रंगसूत्र होती हैं। अब चूंकि स्पर्म या ओवम आधे कोश होते हैं, उनमें 21 रंगसूत्र होते हैं। जब ये दोनों रंगसूत्र मिलते हैं तो 42 रंगसूत्र या फिर पूरा कोश बनता है। ये रंगसूत्र जो होते हैं, ये बच्चे के स्वभाव से लेकर उसके कद तक, आंखों के रंग से लेकर उसकी अनुवांशिक बीमारियों तक सब कुछ तय करते हैं। इसलिए सरोगेटिंग के प्रोसेस का पहला स्टेज होगा कि जब सरोगेट मदर बनने वाली औरत मिलेगी तब मिस्टर भिमानी के और उस औरत के रंगसूत्रों को मिलाकर टेस्टिंग किया जाएगा, जिसे हम जेनेटिक टेस्ट कहते हैं। ये जानने के लिए कि दोनों के रंग सूत्र या जीन्स मिलके एक अच्छा या तंदुरुस्त बच्चा पैदा कर पाएंगे या नहीं। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। मुश्किल है, फिर से समझाता हूँ। ये जो रंग सूत्र होते हैं, मैं जेनेटिक टेस्ट की बात कर रही हूँ डॉक्टर। जो औरत सरोगेट मदर बनेगी उसका तो सिर्फ गर्भाशय होगा, ओवम और स्पर्म तो हमारे होंगे ना। यानी वो बच्चा आधा मेरा होगा आधा रितेश का। तो फिर उस औरत के रंग सूत्र या जीन्स की टेस्ट करने की बात कहां से आई? देखो, जब तुम यहां मेरे पास पहली बार आई थी तो तुमने साफ शब्दों में कहा था कि तुम अपनी परिस्थिति से वाकिफ हो। हाँ, वाकिफ। मेरे शरीर से गर्भाशय निकाल दिया गया है, मेरे पास कोख नहीं है जिसमें बच्चा पल सके। देखो, यहाँ कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने ऐसा तुम्हें कब कहा? मगर डॉक्टर, हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि हम सिर्फ किसी औरत की कोख किराए पर ले रहे हैं। इसका मतलब आपको हालात का भी कोई पता नहीं? ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने आपको बताया नहीं? ऑपरेशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि गर्भाशय के साथ साथ ओवरीज में भी सेप्टिक हो चुका था, इसलिए विनीता की ओवरीज भी निकाल ली गई है।
मतलब उस सरोगेट मदर का स्त्री बीज लेकर टेस्ट ट्यूब में पहला कोश यानी एम्ब्रियो तैयार किया जाएगा। वो बच्चा तुम्हारा और रितिश का नहीं होगा, वो बच्चा उस दूसरी औरत और रितिश का होगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि विनीता तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करने जा रही है, और यही एक वजह थी कि जब मैंने सरोगेट मदर की एप्लीकेशन मंगवाई थी तब उन औरतों के नाना नानी दादा दादी सबके डिटेल्स मांगे थे। जब मैं 10 साल का था ना, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। निरंग भैया उस वक्त तक एक क्रिकेटर के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके थे। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी क्रिकेटर बनूं। यही सोचकर एक दिन मैं क्रिकेट कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने गया। वहां जानती हो क्या हुआ? मुझे यह कहकर निकाल दिया गया कि तुम क्रिकेटर कभी नहीं बन सकते। उस दिन मैं बहुत रोया था। विनीता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक क्रिकेटर बनने में और एक माँ बनने में एक जैसी अहमियत होती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कुछ बेतु की ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी के साथ इस तरह जुड़ जाती हैं कि हमें उनके सामने सब कुछ बेमानी लगने लगता है। विनीता, जिंदगी में अभी बहुत कुछ है। कल से हम वो सब कुछ ढूंढेंगे जो हम दोनों हासिल कर सकते हैं। Come on. Come on. Come on. Come on. Come on.